महामानवों की जयंती है। श्रद्धेय नानाजी देशमुख, हम लोग जो सरस्वती शिशु मंदिर योजना, यह 1952 में गोरखपुर से शुरू हुई और उसके नींव में, उसके आधार में जिन तीन महापुरुषों का नाम आता है, पूज्य भावराव देवरस जी, पूज्य श्री कृष्णचंद्र गांधी जी और पूज्य श्री नानाजी देशमुख, ये तीन नाम महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों की जो योजना, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय परिवर्तन, स्वाधीनता के पश्चात इन महामनुष्यों को लगा कि अपने देश में अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। एक लंबा कालखंड जो पराधीनता का बीता था, उसमें हमारे देश के लोगों की मानसिकता कुछ परिवर्तित हुई थी, व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई थी, शिक्षा संस्कृति सभ्यता ये सब कुछ परिवर्तित हुआ था। तो महामनुष्यों को लगा कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। तो इन महामनुष्यों ने 1952 में गोरखपुर में छोटे से स्थान पर शिशु मंदिर योजना की शुरुआत की और आज यह केवल भारत के लिए नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के भी अनेक देशों में अपने शिशु मंदिर विद्या मंदिर चल रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में एक चुनौतीपूर्ण कार्य, एक ऐसा कार्य जो भारतीय शिक्षा दर्शन को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को पूरे परचम पर ले जाने के लिए आज यह विद्या भारती, आज की शिशु मंदिर योजना पूरी तरह से कृत संकल्प है।